अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं पेलवे। ये कोकनी स्वीट डिश है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसको बनाना भी बहुत सिंपल है। तो मैं आज मैदे के आटे के बनाने वाली हूँ। ये चावल के आटे के भी बनते हैं और दोनों के ही ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये इस कप से मैंने एक कप मैदा ले लिया है। इसमें 1/3 कप चावल का आटा ऐड करेंगे, यानी 3 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड कर देंगे। चावल का आटा डालने से थोड़ा टेस्टी लगता है ये और थोड़ी जाली भी आती है इसमें। और 1/4 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे। अंडा इसमें डालना ज़रूरी है, बिना अंडे का ये नहीं बनेगा, टूट जाएगा। तो आप इसमें 2 से 3 अंडे भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने एक ही अंडे का यूज़ किया है। और येलो फूड कलर ऐड करेंगे, आप पाउडर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा अंडे को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध एक साथ ऐड नहीं करना है, पहले थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप एक साथ दूध डालोगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगी, गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो हमें ऐसा बैटर नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन बैटर चाहिए हमें। आप इसको पानी में भी बना सकते हैं, बट मैंने दूध का यूज़ किया है। या फिर आप नारियल के दूध में भी इसको बना सकते हैं, नारियल के दूध में भी ये काफ़ी टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, थोड़ा पहले मिल्क ऐड करने के बाद में, इसको मिक्स करने के बाद फिर आप इसमें मिल्क ऐड कीजिए। तो इसमें 1.5 कप पूरा मिल्क लगा है। तो येलो कलर मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया है इसमें। तो ये देखिए, इस तरीके का बैटर होता है पेलवे का। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, एकदम पानी की तरह पतला भी नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके का बैटर चाहिए। तो अब जो इसमें फिलिंग हम करने वाले हैं वो कोकोनट की फिलिंग होती है। तो ये मैंने गीला वाला नारियल ले लिया है, एक मीडियम साइज़ का। इसको ग्रेट कर लिया है। इसको आप पका कर भी डाल सकते हैं, घी में थोड़ा रोस्ट करके, सब चीज़ें ऐड करके फिर उसके बाद भी आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। बट मैं पका नहीं रही हूँ, इसी तरीके का बना रही हूँ। इस तरीके से भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो 1 टेस्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है मैंने, और ये ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, इनको भिगा कर छिलके उतार के कट किया था मैंने। और मैंने 1/2 कप पाउडर शुगर ली है। पहले 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप बारीक वाली शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको गुड़ में भी बना सकते हैं, गुड़ में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो शक्कर मुझे कम लग रही थी तो पूरा 1/2 कप मैंने इसमें शक्कर का यूज़ किया है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो और मीठा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, चून हमारी नारियल की बनकर रेडी हो गई है। अब हम पेलवे बनाना शुरू करते हैं। पैन ले लिया है मैंने नॉनस्टिक, उस पर थोड़ा घी लगा देंगे और बैटर को डालने से पहले इस तरीके से हिला लेना है अच्छी तरह से, वरना आटा वगैरह नीचे बैठ सकता है। तो ये देखिए, 1.5 चम्मच इसमें बैटर मैंने डाला है और इसको फटाफट इस तरीके से टर्न करते जाना है। अब फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम टू हाई और इसको मीडियम टू हाई पर पकाना है। इसको अभी चम्मच वगैरह से हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, वरना ये टूट जाएगा। जब ये पक जाएगा तो अपनी किनारियों को ये खुद ही छोड़ देता है। तो ये देखिए, किनारियों को इसने छोड़ दिया है। अब इसको पलटी कर देंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा पेलवे बन रहे हैं। तो देखिए, दूसरी वाली साइड पर भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे और इसको निकाल लेंगे, बहुत इजीली बन जाता है ये। अब सेकेंड वाला भी इसी तरीके से बनाएंगे, हल्का सा घी लगा लेंगे, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, अब सेकेंड वाला भी इसी तरीके से बना लेना है। बैटर को डालने के बाद इसको टर्न कर देना है फौरन, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पकने देना है। ये देखिए, इसकी पकने की निशानी यही है कि ये अपनी साइड को छोड़ देता है और फिर इजीली टर्न कर देना है, इजीली हो भी जाता है ये। तो बहुत आसान है इसको बनाना, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। तो ये देखिए, सारे पेलवे हमारे बनकर रेडी है, बहुत ही अच्छे बने हैं पेलवे हमारे।
ये देखिए जाली भी कितनी अच्छी आई है इसमें। अगर आप चावल के आटे के बनाएंगे तो और जाली वाला बनता है ये। तो ये देखिए सब बनकर रेडी है। अब हम इसमें फिलिंग भर देते हैं जो हमने बनाई थी कोकोनट की। तो सबसे पहले हम एक पेलवे को उठा लेंगे, उसको इस तरीके से रख देंगे। अब ये जो कोकोनट की हमने फिलिंग बनाई थी वो फिलिंग को इसमें डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से फिलिंग को डाल देना है इसमें। आप इसमें किशमिश वगैरह का भी यूज कर सकते हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए कितना इजी है इसको बनाना और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। जब आप खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, हल्का हल्का सा दबाएंगे। तो ये देखिए पेलवे बनकर तैयार है। अब इसको कट लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें 3 कट भी लगा सकते हैं बट मैंने 1 कट लगाया है। ये देखिए कितना अच्छे बने हैं हमारे पेलवे, बहुत अच्छे बने हैं और जाली वाले भी बने हैं। मैदे के आटे के थोड़े सॉफ्ट बनते हैं और चावल के आटे के थोड़े जाली वाले और क्रिस्पी से बनते हैं। तो सारे इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे, सेकंड वाला भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ज़रूर दबाए। बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी रेसिपीज़ के, वो सबसे पहले आपको फ्री में देखने मिलेंगे। तो सेकेंड वाली की भी फिलिंग मैंने भर दी है, उसको भी रोल कर देंगे इस तरीके से। और इसको मैं 3 पार्ट्स में कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से भी आप कट कर सकते हैं उसको। तो सारे पेलवे इसी तरीके से बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और यम्मी से पेलवे बनकर रेडी है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी जाली आई है इस पर। ये देखिए इस तरीके से आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसको बनाकर फ्रीज में भी रख सकते हैं, 2-3 दिन तक अच्छे रहते हैं ये। और जब आपको खाना हो तब आप इसको हल्का सा सेक कर भी खा सकते हैं। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।